नमस्कार, ये है आवाज़ द वॉइस और इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की। एपीजे अब्दुल कलाम जनता के राष्ट्रपति, जनता के दिलों में रहने वाले और न सिर्फ मिसाइल मैन बल्कि उनकी ज़िंदगी पर भी बहुत सारे उनके ऐसे वाक्य जुड़े हुए हैं जिनके बारे में जनता को जानना चाहिए, आज की पीढ़ी को जानना चाहिए। और इसलिए हमारे साथ आज एक ऐसे मेहमान हैं मेरे साथी वरिष्ठ पत्रकार मलिक असगर हाशमी और मैं उनसे ख़ास बात करेंगे। श्री एसएम खान, जो 5 साल तक उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत नज़दीकी से देखा, उनकी हर पल की गतिविधियों का ध्यान रखा और उनसे जुड़े बहुत सारे किस्से भी उनके साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत खान सर आपका। थैंक यू मंजीत। तो पहला सवाल तो मैं ही पूछता हूँ सर जी कि कलाम साहब के साथ आपने 5 साल बिताए सीधे संपर्क में, और भी संपर्क ज़रूर रहा होगा, तो बतौर राष्ट्रपति वो जनता के कितने नज़दीक थे? एक बाकी तो हम और कहानियां जानेंगे कि कैसे, जो अनसुनी कहानियां हैं, लेकिन एक जनता के राष्ट्रपति के तौर पर आप कैसे आंकते हैं? एक्चुअली मंजीत ये था कि उन्होंने शुरू से ही ये अपना एक एम रखा था राष्ट्रपति भवन में कि ही विल बी द पीपल्स प्रेसिडेंट, और उनका शुरू से हर चीज़ में ये रहता था कनेक्ट विद द पीपल। और बाई चांस ये हुआ कि जब मैंने उनको ज्वाइन किया, वो राष्ट्रपति बने 25 जुलाई 2002 को, और मैंने उन्हें ज्वाइन किया 5 अगस्त 2002 को, तकरीबन 10 दिन बाद। तो मेरी जो पहली मीटिंग हुई उसमें उन्होंने यही कहा जो मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि आई वांट टू मेक इट एज ए पीपल्स प्लेस, नॉट पैलेस, प्लेस। तो मैं इसको जनता का स्थान बनाना चाहता हूँ, तो मैं अपने ऑफिसर से यही उम्मीद रखता हूँ कि वो इस तरह से बिहेव करें कि यहाँ जनता को किसी किस्म की कोई कठिनाई ना हो, और वो उनको ये ना लगे कि ये कोई महल में जा रहे हैं या राष्ट्रपति भवन जो है वो कुछ और जगहों से बिल्कुल डिफरेंट कोई चीज़ है और राष्ट्रपति कुछ और जगह से कुछ मुख्तलिफ कोई पोजिशन है। तो वो ये चाहते थे, और उनका हमेशा ऑफिसर्स से, जितने भी ऑफिसर्स थे उनके साथ, उनको यही रहता था कि आप लोग भी एक डायरेक्ट पीपल से कनेक्ट रखें और मुझको भी रखने दें, और प्रोटोकॉल को भी बीच में ना आने दें, क्योंकि भी बड़ा इशू होता है राष्ट्रपति भवन में प्रोटोकॉल का। तो ही वाज ऑलवेज इंसिस्टिंग कि प्रोटोकॉल शुड नॉट कम बिटवीन मी एंड द पीपल, दिस थिंग शुड हैव बीन कैप्ट, शुड बी, एवरी ऑफिसर शुड कीप दिस थिंग इन माइंड। क्योंकि वो ये कहते थे कि बार बार तो मैं बताऊँगा नहीं इस बात को, मगर आप मेरा एज ए पॉलिसी ये समझ लें कि आई एम नॉट दैट पर्टिकुलर अबाउट प्रोटोकॉल, देर आर थिंग्स इन ब्लू बुक, देर आर सर्टेन मैंडेटरी थिंग्स एंड देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर देयर जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग देयर, तो यू कैन रिलैक्स फॉर दोज थिंग्स, बट दोज थिंग्स विच आर एब्सोल्युटली मैंडेटरी दैट आई विल डेफिनेटली फॉलो, बट देर आर सर्टेन अदर प्रैक्टिसेस विच आर नॉट दैट काइंड ऑफ मैंडेटरी, यू कैन प्लीज avoid those practices and I don't want to keep away people from me in the name of those practices. आपने एक किताब भी लिखी है पीपल्स जी प्रेसिडेंट जी, तो आपका अनुभव है ऐसा कि लिखने को मजबूर कर दिया, क्या वजह थी किताब लिखने का इस तरीके से? देखिए मेरी वजह तो किताब लिखने की ये थी कि मैं जब उनका देहांत हुआ 2015 में, तो मैं उनके ऊपर एक बुक लिखना चाहता था और मैं अपनी मेमोरीज़ को लोगों के सामने लाना चाहता था। उनका मैं पहले भी ये मैंने सोचा कि मैं उनसे डिस्कस करूं कि मैं एक किताब लिखना चाहता हूं जब वो अलाइव थे, क्योंकि वो 2007 में उनका टर्म ख़त्म हो गया और 2015 तक वो ही वॉज़ वेरी एक्टिव एज फॉर्मर प्रेसिडेंट। तो मगर मैंने उनसे कभी फिर डिस्कस किया नहीं ये बात कि मैं आपके ऊपर किताब लिखना चाहता हूँ उनकी ज़िंदगी में। ये बिल्कुल सही है कि मैंने कभी उनसे इस टॉपिक पर बात नहीं की, जबकि मैं बहुत फ्रिक्वेंटली उनसे कांटेक्ट में रहता था और सारी चीज़ों पर डिस्कशंस होते थे। उसके बाद मैं लगातार इसमें रहा कि मैं लिखूँ, और इसमें कुछ इत्तफाक़ ऐसा हुआ कि 27 जुलाई को उनका डेथ हुई, और मैं तभी से प्लान कर रहा था, और वो बाई चांस ये हुआ कि 15 अगस्त उसी साल 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन एट होम रिसेप्शन में मेरी बाई चांस अचानक मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हो गई,
और उन्होंने थोड़ी देर 2-3 मिनट की मुलाकात में कलाम साहब, क्योंकि तभी उनका देहांत हुआ था और वो आए थे बराबर कलाम साहब के सारे जो उनके प्रोग्राम हुए थे और रामेश्वरम भी गए थे उनकी तदफीन में, तो उन्होंने अचानक मुझसे ये कहा कि कलाम साहब पर कुछ लिखो, कलाम साहब पर कुछ लिखो। तो मैंने कहा नहीं, मैं ऑलरेडी सोच रहा हूँ लिखने का और मैं बिल्कुल शुरू करता हूँ लिखना। और उसी दिन इत्तफाक ये हुआ कि उसी एट होम रिसेप्शन में बहुत मशहूर पत्रकार रही हैं, अभी भी हैं, कल्याणी शंकर जी, वो मुझे मिली और कल्याणी शंकर जी ने ये कहा कि मुझे ब्लूम्सबरी आपका नंबर चाह रहा है, वो आपसे संपर्क करना चाहते हैं कि आप कलाम साहब पे कुछ लिखें। मैंने कहा ये तो बहुत ही कोइंसिडेंस है, मैं तो खुद ही लिखना शुरू कर दिया है मैंने, और अभी प्रधानमंत्री ने भी यही कहा, अभी आप मिल गई तो आप तुरंत मेरा नंबर ब्लूम्सबरी को दे दीजिए और मैं ज़रूर लिख रहा हूँ, और अगर वो पब्लिशर बनना चाहते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम। अब तो किताब बहुत जानकारी प्रद है, हमने भी पढ़ी उसको, बल्कि 2 बार पढ़ी उसको जी। आपने कहा अभी बातचीत की शुरुआत में कि कलाम साहब चाहते थे कि राष्ट्रपति भवन जनता का पैलेस हो जी, पब्लिक का हो, जनता का प्लेस हो, नॉट पैलेस। हाँ, पैलेस प्लेस। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक कहानी बड़ा मशहूर है उनके परिवार को लेकर के, कि जब वोट के वक्त आए थे तो फिर वो खाने का पैसा, ये सब कहानियाँ बहुत थी, लेकिन बाद की कहानियाँ नहीं आई और ना आपकी किताब में है वो, कि बाद की कहानियों में उनके परिवार के लोग आते थे या नहीं आते थे या कम आते थे, क्या 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 रहता था उस वक्त? नहीं, उसका मैंने लिखा है उनके परिवार का और उनके आने का लिखा है किताब में। उसमें ये था कि वो उनका, वो खुद तो ही वॉज़ नॉट मैरिड बट अल्हम्दुलिल्लाह ही हैड ए लार्ज फैमिली, उनके भाई और भाइयों के बच्चे और बहन और बहनों के बच्चे, और मतलब वो हमेशा उनको अपनी फैमिली ही मानते थे, क्योंकि उनका अपना इमीडिएट तो कोई था नहीं, तो वो उन्हीं के बच्चों को अपना उसी तरह से ट्रीट करते थे, एंड ही ऑलवेज यूज टू से दैट। और उनके जो बड़े भाई थे जिनका डेथ उनकी डेथ के बाद हुई 102 साल की उम्र में, उनको वो बिल्कुल अपने फादर की तरह मानते थे। उन्हीं के बड़े भाई ने मेरी किताब का फॉरवर्ड भी लिखा था, वो रामेश्वरम में थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी। तो वो फैमिली से बड़े अटैच थे, मगर वो कभी भी किसी मतलब वो ज़िंदगी में उन्होंने ये नहीं किया कि फैमिली को कोई फेवर्स पहुँचाए हों या फैमिली को कोई उस तरह की चीज़ें की हों जो जनरली लोग जो पावर में होते हैं वो करते हैं, मगर फैमिली से कनेक्ट हमेशा रखते थे। और ही यू ऑलवेज यूज टू रेगुलरली टॉक टू फैमिली मेम्बर्स ऑन टेलीफोन एंड ऑल्सो इन्वाइट देम। और उनके जो बड़े भाई हैं वो तो उनसे तकरीबन अपने वो बड़े भाई से ऑल थिंग ही यूज टू टॉक ऑलमोस्ट डेली, उनको एक बार कॉल ज़रूर करते थे 2-3 मिनट का, जब राष्ट्रपति थे जब भी, अगर बहुत ही हार्ड प्रेस्ड हैं कहीं बाहर हैं तो अलग बात है, अदरवाइज ही वॉज ऑलवेज इन टच। तो उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया था कि राष्ट्रपति भवन में उन्होंने एक बार अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को, जो दूर दूर के रिश्तेदार भी थे, तकरीबन रिश्तेदार मीन्स वो भाई और बहनें और उनके बच्चे और उनके, तो तकरीबन 45 लोगों को उन्होंने एक साथ, क्योंकि हर आदमी जाता था आना, तो राष्ट्रपति भवन इन्वाइट किया और उसके बाद तकरीबन उनको 5 दिन राष्ट्रपति भवन में रखा, ये सम टाइम्स इन 2006, क्योंकि 7 में उनका टर्म ख़त्म हो गया। और उसमें उन्होंने ये सावधानी बरती थी कि उन्होंने अपने कंट्रोलर ऑफ हाउस होल्ड को ये कहा था कि इनका जितना ख़र्चा होगा वो मैं दूंगा, तो इनका बिलिंग वगैरह खाने का, वो रुकेंगे तो राष्ट्रपति भवन में ही गेस्ट विंग में, मगर वो बिलिंग जो है खाने का और जो बाकी ख़र्चे हैं वो सब मेरे, आप मुझे दीजिएगा बिल, आई विल पे फ्रॉम माई अकाउंट, दे विल नॉट बी अ बर्डन ऑन राष्ट्रपति भवन। तो करीब 3 या 3.5 लाख रुपए कुछ उस टाइम बिल आया था उनके स्टे का, 45 लोगों के 5 दिन के, तो वो उन्होंने पे किया। फिर उन्हें दिल्ली घुमाया, फिर उनको अजमेर शरीफ जाना था, वहाँ के लिए एक बस अरेंज की उन्होंने अपने ही पैसे से उन्होंने टैक्सीज अरेंज की उनके दिल्ली में घूमने के लिए। तो इस तरह से उन्होंने फैमिली का ख्याल रखा और फैमिली से कनेक्ट उनका बहुत अच्छा था, मतलब ही यूज़ टू रिमेंबर एवरीबडी, ही यूज़ टू बी इन टच विद
everybody, particularly his brothers, his brothers' daughters, their sons, सभी से उनका अच्छा संबंध रहता है। आपने बड़े भाई साहब का जिक्र किया, वो हज वाला क्या मामला था, जब हज करने जा रहे थे तो वहाँ क्या हुआ था? या हज वाला ये मामला था कि वो एक्चुअली उन्होंने मुझसे ही पूछा कि भाई मुझे अपने बड़े भाई को हज पर भेजना है, ये भी शायद 2006 की बात है, और तो किस तरह से होगा। तो मैंने उनसे कहा भी कि मैंने कहा आप तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कह दीजिए, दे विल मेक ऑल अरेंजमेंट्स। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ, यू शुड गो एज ए नॉर्मल पिलग्रिम जैसे और लोग जाते हैं, तो आप बताइए उसका क्या तरीका है। मैंने कहा उसका तरीका तो यह है कि उन्हें दरख्वास्त देनी पड़ेगी सेंट्रल हज कमेटी के थ्रू। और बोले ठीक है, तो उनकी दरख्वास्त, तो मैंने उनके फॉर्म्स वगैरह भरवाए, और उनके बड़े भाई, उनकी बेटी, बड़े भाई की बेटी और उनका एक ग्रैंडसन, ये तीन लोग गए। और उसके बाद वो चले गए, उनका कोटे में नाम आ गया बिकॉज ऑफ एज एंड ऑल दैट। जब तक किसी को ये पता नहीं था कि ये APJ अब्दुल कलाम के राष्ट्रपति के भाई हैं, उन्होंने कहा ये किसी को पता ना चले, क्योंकि दे शुड फिल अप द फॉर्म एज ऑर्डिनरी पिलग्रिम, तो नाम से तो पता चला नहीं। उसके बाद जब वो वहाँ पहुँच गए, तो उस टाइम जो एम्बेसडर थे उनको कहीं से वहाँ पता चल गया, और उस टाइम एम्बेसडर थे वो, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो पांडिचेरी के CM भी रहे थे, ही वॉज़ ए पोलिटिकल पर्सन। तो वो, उनका फिर फ़ोन आया राष्ट्रपति भवन कि हमें ये पता चला है कि वो आए हैं हज पर, और कहाँ ठहरे हुए हैं वो, क्योंकि उनका जो ठहरने का अरेंजमेंट था वो तो जैसे सब पिलग्रिम्स का होता है, वो किसी एकोमोडेशन में थे जो सेंट्रल हज कमेटी ऑर्गेनाइज करती है नॉर्मली। तो वो कलाम साहब को पता चल गया, फिर कलाम साहब ने उनको रिंग बैक किया कि भाई आप जहाँ वो ठहरे हैं उन्हें ठहरे रहने दीजिए, आई डोंट वॉन्ट एनी स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर देम एंड दे आर पिलग्रिम्स, और हज का मकसद ही है कि आदमी साधारण तरीके से हज करे, उसको कोई VIP ट्रीटमेंट और वो सब की ज़रूरत नहीं है, और अगर कोई ज़रूरत होगी पर्टिकुलरली अबाउट हिज हेल्थ बिकॉज ही इज़ एन एल्डरली पर्सन, तो फिर मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। कुछ एक्सीडेंट भी हो गया था उनके बड़े भाई साहब के साथ? नहीं, वहाँ कुछ नहीं हुआ, तभी तो ख़राब हो गई थी ऐसा? नहीं, वहाँ तो ठीक है, बाकी उन्होंने एहतियातन कह दिया था कि अगर कोई इस तरह की कोई बात होगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। कलाम साहब तो अपने परिवार का बहुत ख्याल रखते थे जैसा आपने कहा, लेकिन वो देश का भी ख्याल साथ में रख रहे थे, लेकिन संयुक्त परिवारों के टूटने से बड़े मैंने कहीं पढ़ा कि बहुत परेशान थे उनको, न्यूक्लियर फैमिलीज में जो बच्चों का विकास होता है, तो वो क्या उनका विचार क्या था? नहीं, उनका ये था कि वो अपनी स्पीचेस में भी लोगों को यही कहते थे कि न्यूक्लियर फैमिली का बहुत एडवांटेज है, और अपनी फैमिली का भी वो एग्जांपल देते थे कि मेरे सारे भाई एक साथ रहते हैं, उनके बच्चे एक साथ रहते हैं, हमारा रामेश्वरम में एक ही घर है, और बल्कि उस घर का नाम उन लोगों ने हाउस ऑफ कलाम रखा हुआ था जब भी और अब भी। अच्छा। उस घर के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है बहुत बड़ा, हाउस ऑफ कलाम, ये नहीं कि जब वो राष्ट्रपति बने हों, जब उससे पहले से घर सबका था, मगर उन्होंने नाम कलाम साहब का ही रखा हुआ था। तो वो हमेशा ये कहते थे कि न्यूक्लियर फैमिली के बहुत एडवांटेज हैं, और ये जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, दैट इज़ द कि हम लोगों ने जो न्यूक्लियर फैमिली जो भारतीय संस्कृति की पहचान रही है उसको हम भूलते जा रहे हैं, और हमेशा लोगों को, और जो वैसे भी उनसे मिलने आते थे कपल्स या उनके पेरेंट्स, तो उनको वो हमेशा ये कहा करते थे कि आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स की खिदमत करें और पेरेंट्स का ख्याल रखें, पेरेंट्स के साथ रहें, उन्हें ओल्ड एज होम में ना पहुंचा दें, और तो वो इन सब चीज़ों पर बहुत ख्याल रखते थे। और जो लोग इस तरह से न्यूक्लियर फैमिली के उन्हें मिलते थे तो उनको बड़ा इंस्पायर और एनकरेज करते थे कि यू आर डूइंग राइट थिंग। सर, हम लोग फैमिली की बहुत सारी बातें हो गई, मैं बचपन से थोड़ा पीछे चलता हूँ कि वो सुबह उठते थे, उनकी अम्मा नहलाती थी, वो फिर ट्यूशन पढ़ने जाते थे, वहाँ से लौट के मदरसे में पढ़ते थे, फिर उसके बाद अखबार बांटते थे, फिर स्कूल जाते थे, ये सिलसिला बचपन का था उनका। आज के दौर में मदरसे को लेकर के बड़ा कंट्रोवर्सी हो रही है, अगर वो रहते तो क्या टेक होता, और कभी मदरसे को लेकर के उनसे कोई चर्चा हुई क्या, कभी उन्होंने जिक्र किया? हाँ, नहीं, मेरी चर्चा ज़रूर हुई मदरसों को लेकर, और वो हमेशा
मदरसे से तो वो बहुत नेचुरली, क्योंकि खुद ही मदरसे में पढ़े थे और मदरसा सिस्टम को वो अच्छी तरह से जानते थे, मगर वो हमेशा ये कहते थे कि अब ज़माना थोड़ा, क्योंकि ज़माने की ज़रूरतें काफ़ी चेंज हो गई हैं, तो मदरसे में अगर आप सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन लेंगे और उसके बाद 10-15 साल बाद रिलीजियस एजुकेशन पूरी लेकर आप मदरसे से बाहर निकलेंगे तो आप उसके बियॉन्ड स्टूडेंट नहीं जा पाएगा। इसलिए वो हमेशा इस बात को कहते थे कि मदरसे में कोई ऐसा अरेंजमेंट किया जाए कि उसमें मॉडर्न एजुकेशन भी हो और जो मॉडर्न सिलेबस है और उसको ऐसे सिस्टम से जोड़ा जाए कि उनको मदरसे से निकलते निकलते तक कम से कम वो 10th या 12th का जो बोर्ड होता है उससे वो कोई एग्ज़ाम पास करके, जिससे उनको कॉलेज में दाखिला मिल जाए, या कोई ITI करना चाहता है या कुछ और कोर्स करना चाहता है, क्योंकि मदरसे, खाली मदरसे में रहकर और खाली मजहबी तालीम लेकर हो सकता है कि उनको ज़िंदगी में उतनी अपॉर्चुनिटीज़ ना मिल पाए जितनी कि एक अच्छे स्टूडेंट, सामान्य स्टूडेंट को जो नॉलेजेबल भी है उसको मिलनी चाहिए। तो वो ये ज़रूर चाहते थे। जहाँ तक दूसरा एंगल दिया जाता है मदरसों को, ये एंगल तो ठीक है कि रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी मदरसे में दी जानी चाहिए, मगर जहाँ तक ये एंगल कुछ लोग देने की कोशिश करते हैं, ये उस ज़माने में भी डिस्कशन होता था, कलाम साहब से भी डिस्कशन हुआ, जहाँ तक हिंदुस्तान में मदरसों का ताल्लुक है, मैं कम से कम मैं भी कह सकता हूँ ये बात, मैंने भी बहुत मदरसे देखे हैं, मैं बाहर के विदेशों के मदरसों के बारे में मैं नहीं जानता, मगर जहाँ तक हिंदुस्तान के मदरसे हैं उसमें इस तरह की बातें जो कही जाती हैं कि साहब वहाँ पर कोई ट्रेनिंग दी जाती है या वहाँ पर वायलेंस सिखाया जाता है या वहाँ पे कोई ऐसी बातें कही जाती हैं जिससे उस तालिबे इल्म का टेररिस्ट बनने के चांसेस पैदा हो जाते हैं या वहाँ आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है, ये हिंदुस्तान में कम से कम किसी मदरसे में नहीं है, आज भी नहीं है, कल भी नहीं था। ये एक दूसरी बात है कि मदरसे हिंदुस्तान में जो 90% मदरसे हैं, अब तो थोड़ी तादाद उनकी और कम हो गई होगी, मगर 80% तो अभी भी ऐसे ही होंगे कि जो सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन देते हैं, कम से कम 20-25% मदरसे ऐसे हैं जो अब मॉडर्न एजुकेशन भी देते हैं, और वो मदरसा एजुकेशन बोर्ड जो बहुत सी राज्य सरकारों ने बनाए हैं, जहां उनका सिलेबस है और जहां उनको बोर्ड से जोड़ा गया है, ऐसे करीब 25-30% मदरसे हैं जिन्होंने उसको अडॉप्ट किया है। 70-75% मदरसों ने उसको अडॉप्ट नहीं किया है, मगर उन मदरसों में भी सिर्फ और सिर्फ प्योरली रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है और किसी तरह की कोई एजुकेशन, कोई ट्रेनिंग, कोई लेक्चर्स नहीं दिए जाते हैं। ये मैं भी अपने जो भी मेरा तजर्बा है थोड़ा बहुत मदरसों के बारे में, वो हिंदुस्तान के मदरसों के बारे में मैं ये कह सकता। जब हम लोग बात आपसे बातचीत के लिए तैयार हो रहे थे तो हम लोग सोचा था कि उनके जो सब कोई जानता है उस पहलू पे बातचीत ना करें, थोड़ा सा अलग हट करके बात करें। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप उनके ज़िंदगी का 5 साल आप उनके साथ रहे, वो हर बार संत के पास या नमाज में क्यों चले जाते थे जब भी परेशानी में हो? जब SLV 3 समंदर में गिर गया तो नमाज, फजर की नमाज में जो है उनको लगा कि नहीं, हमको फिर नए सिरे से होना चाहिए। जब वो एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में इंटरव्यू में फेल हो गए तो संत के पास बैठ गए। उसके बाद जब नीतीश कुमार को हटाने के बाद बहुत परेशान हो गए, शेखावत को जब रिजाइन देने की बात हुई तो फजर की नमाज में फिर उनको आया कि नहीं, जो है सो ये ठीक नहीं है। 5 साल तक आप करीब रहे तो मुसीबतों में संत, फकीर, अल्लाह मियां बहुत याद आते थे, आप उसको कैसे देखते या क्या बातचीत होती थी? नहीं, मेरी बहुत बात होती थी इस टॉपिक्स पे भी। एक्चुअली क्या था कि कलाम साहब बाई नेचर और बाई हार्ट ही वॉज ए रिलीजियस पर्सन, वो रिचुअलिस्टिक पर्सन तो नहीं थे। मतलब हर रिलीजन में दो चीज़ें होती हैं, एक तो रिलीजन के बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, बेसिक स्पिरिचुअल कंसेप्ट्स होते हैं, रिलीजन क्या है, रिलीजन में विश्वास रखना कितना इम्पॉर्टेंट है, और एक होता है रिचुअलिस्टिक कंपोनेंट रिलीजन का कि आप कितनी बार मस्जिद जा रहे हैं दिन में,
पांच वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, 30 रोज़े रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, हज पे गए या नहीं गए, मतलब जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं रिलीजन के, दाढ़ी आपने रखी है या नहीं रखी, ड्रेस आपकी किस तरह से है, तो ये सब बहुत सी चीज़ें जो हैं वो रिचुअलिस्टिक हैं हर रिलीजन के साथ। इसी तरह से हिंदू धर्म के साथ हैं। हिंदू धर्म में विश्वास रखने के लिए सनातन धर्म में ये ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह शाम मंदिर जाएं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप तिलक लगाएं हर समय, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जनेऊ पहने, ये सब रिचुअल्स हैं। तो कलाम साहब जो हैं वो इस्लाम, जहाँ तक रिलीजन का ताल्लुक है, ही वॉज ए वेरी पायस गुड मुस्लिम, बट एट द सेम टाइम ही वॉज इक्वली रेस्पेक्टफुल फॉर ऑल अदर रिलीजन्स, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का मकसद ये था कि इन रिलीजन्स के बीच में कैसे आपसी तालमेल को ठीक किया जाए और कैसे हिंदुस्तान की तरक्की के लिए सारे धर्म सारी जातियाँ मिलकर काम करें। और इसीलिए वो हमेशा इंटरफेथ डायलॉग की बात करते थे, इसीलिए वो हमेशा ये कहते थे कि एक दूसरे के जो धर्म गुरु हैं उनसे मिलना चाहिए, क्योंकि धर्म गुरु जो है, एक तो वो आपको रिलीजन की सही बात बताएगा कि उस रिलीजन में क्या है, मगर वो ये भी कहते थे कि उस धर्म गुरु की पहचान आपको सही होनी चाहिए, क्योंकि वो धर्म गुरु भी बहुत तरह के हो सकते हैं और वो आपको मिसलीड भी कर सकते हैं। तो पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि हिंदू धर्म का सही धर्म गुरु आपके लिए कौन रहेगा, या इस्लाम का कौन रहेगा, या सिखिज़्म का कौन रहेगा, या क्रिश्चियनिटी का कोई रहेगा, और एक बार अगर आप डिसाइड कर लें और कन्विंस हो जाएं कि ही इज़ द राइट पर्सन, देन यू हैव क्लोज इंटरेक्शन विद हिम। दैट्स व्हाई ही आल्सो यूज्ड टू हैव क्लोज इंटरेक्शन विद ऑल स्वामीज एंड सन्स एंड मौलानाज हुम ही थॉट कि दे आर द गुड पीपल एंड दे आर द पीपल हु रियली वॉन्ट वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर ऑफ द कंट्री, एंड दे वॉन्ट टू ब्रिंग पीपल टुगेदर। अब उनका एक बहुत ही क्लोज रिश्ता था स्वामी प्रमुख महाराज से, जो अक्षरधाम के अक्षरधाम सेक्ट के, और उन्होंने उनके साथ एक किताब भी लिखी है कलाम साहब ने स्वामी प्रमुख के साथ, और ये इस रिलीजन स्पिरिचुअलिटी, और जब वो राष्ट्रपति थे जब भी स्वामी प्रमुख महाराज से उनकी कई बार बातचीत हुई और बहुत लंबी लंबी बात हुई। हम लोग गांधीनगर में अक्षरधाम में भी गए, जो यहाँ का अक्षरधाम है दिल्ली का, वो भी कलाम साहब ने इनॉग्रेट किया। तो वो उनसे बहुत इम्प्रेस थे और स्वामी प्रमुख महाराज उनसे बहुत इम्प्रेस थे और कलाम साहब उनसे बहुत इम्प्रेस थे, और उनकी मैंने अपनी किताब में भी इसका वर्णन किया है। तो इस तरह से एक दूसरा उनका बहुत ही क्लोज ताल्लुक था जैन मुनि थे, उनसे बड़ा उनका क्लोज रिलेशंस थे और उनके साथ घंटों उनकी बातचीत होती थी। इस्लामिक स्कॉलर्स में मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब थे, उनसे उनका बड़ा क्लोज रिलेशन था, और जब भी कोई उन्हें इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे कोई ख़ास बात करनी होती थी तो वो हमेशा मुझसे कहते थे कि मौलाना को बुलाइए। तो उनका इस तरह का था। और दूसरा एक और चीज़ थी उनकी कि वो धर्म गुरुओं में इस वजह से भी उनसे रखते थे कि वो ये कहते थे कि ये लोग वो हैं जिनका अपने अपने धर्म और संप्रदाय में बड़ा इन्फ्लुएंस है, तो अगर आपको उन लोगों को साथ लाना है और हिंदुस्तान को यूनाइट करना है तो इसलिए आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, मगर क्योंकि हमारे यहाँ का एक ट्रेडिशन ऐसा रहा है हिंदुस्तान का, हर मज़हब का, कि वो अपने जो धार्मिक नेता हैं, धार्मिक गुरु हैं, हर मज़हब के लोग उनकी बात सुनते हैं, आज भी सुनते हैं, कल भी सुनते थे। तो कलाम साहब हमेशा ये कहते थे कि इनको सही उस पर रखना भी ज़रूरी है कि वो धर्म गुरु अपने लोगों को सही बात बताएं। मिशन 2020 की तरह ही उन्होंने एक कमेटी भी बनाई थी, हाँ, सभी धर्म गुरुओं की। आज क्या स्थिति है उसकी, है कुछ वजूद में या ख़त्म हो गया? नहीं, क्या कमेटी बनाई थी सभी धर्म गुरुओं के? हाँ हाँ, वो उन्होंने बनाया था, मगर वो मेरे ख्याल में कोई चला नहीं रहा है, उन्होंने बनाया था, राइट, और वो मैंने अपनी बुक में भी उसका जिक्र है, और उसमें तीन चार लोगों को उन्होंने बड़ा एक्टिवली जोड़ा था। एक तो कचौचा शरीफ है उसके मौलाना, उसके इमाम साहब को, और एक वो जैन मुनि थे उनको, और एक ही अक्षरधाम टेम्पल मूवमेंट के लोगों को,
इनको जोड़ा था और कई मीटिंग्स कराई थी और एक दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के लोगों को, और उन्होंने एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस कराई थी सूरत में, इंटरफेथ डायलॉग, सारे लोगों को बुला के, और ही हिमसेल्फ वेंट थे और वो पूरे दिन रहे वहाँ पर सूरत में, और अपने सामने उन्होंने एक डिस्कोर्स लोगों का हुआ कि इससे कोई एक बात निकलनी चाहिए, मगर वो उसके बाद वो उनके इंतकाल के बाद तो आई डोंट थिंक कि वो कंटिन्यू कर रहा है। अच्छा, ये मैं एक खबर हमने कहीं पढ़ी थी कि वाजपेयी सरकार जब बनी 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की, तो उन्होंने वाजपेयी जी ने इनको कहा कि आप कैबिनेट मिनिस्टर बन जाए। या ये सही थी बिल्कुल, ये उन्होंने मुझे एक बार बताया कि वाजपेयी जी ने बुलाया था और उनको कहा था कि आप मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाना चाहता हूँ मैं आपको कैबिनेट मिनिस्टर, मगर वो कलाम साहब ने बहुत रेस्पेक्टफुली उसको डिक्लाइन किया, क्योंकि उस टाइम वो कलाम साहब ने पब्लिक तो नहीं किया मगर वो बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व थे, वो 1998 का जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था वो उसमें लगे हुए थे, वो प्रोग्राम नरसिम्हा राव जी के टाइम में शुरू हुआ था, और कलाम साहब और फिर अटल जी आ गए, तो कलाम साहब वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ब्रीफ अटल जी अबाउट द प्रोग्राम, क्योंकि नरसिम्हा राव जी ने जाते जाते कलाम साहब से ये कहा कि जितनी चीज़ें हैं आप हर चीज़ अब अटल जी को बता दीजिए, क्योंकि कलाम साहब वॉज लुकिंग आफ्टर दैट प्रोग्राम एज साइंटिफिक एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर, और वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान बिकेम एन एटॉमिक पावर, और उसको सीक्रेट रखना भी ज़रूरी था और उसको आगे चलाना भी ज़रूरी था, तो ये एक उनका कलाम साहब ने मुझे बताया हमने कि वो नरसिम्हा राव जी ने मुझे बुलाया रात को जिस दिन वो इस्तीफ़ा दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि आप हर चीज़ जो है उनको अटल जी को आप जाके ब्रीफ करिए, और फिर अटल जी ने भी वेलकम किया, एंड अटल जी की वो इसमें तारीफ़ करते थे कि अटल जी ने उसको ओपन क्लियरेंस दिया कि जितना काम हो चुका है बहुत अच्छा हुआ है, इसको आप आगे बढ़ाएं। अरे एक अनछुए पहलुओं की बात हम लोग कर रहे थे, राष्ट्रपति भवन में एक फोटोग्राफर थे उनसे हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि खास कौवे की तस्वीर लेने के लिए कहा था, हमने पक्षियों से बहुत प्रेम था और एक खास कौवा उनकी खिड़की पे आकर बैठता था, वो क्या वाक़या था सर? नहीं एक्चुअली वो एक था क्रो का वाक़या कि वो क्योंकि वो मुग़ल गार्डन में वो खुलता है स्टडी का डोर और विंडोज़ भी उसके मुग़ल गार्डन में, तो वहाँ पे बहुत पक्षी आते रहते थे, तो वो अपने कमरे से बैठे देखते रहते थे और उनका पहला भी इंटरेस्ट था, तो उन्होंने एक किताब बनवाई थी, वो किताब मौजूद है मेरे पास भी है राष्ट्रपति भवन की लाइब्रेरी में, बर्ड्स इन राष्ट्रपति भवन, और उसमें उन्होंने एक बर्ड एक्सपर्ट को बुलाया था और वो तकरीबन एक महीना रहे वहाँ पर, और उन्होंने उनसे वो डॉक्टर सलीम अली के स्टूडेंट थे जो डॉक्टर सलीम अली फेमस बर्ड स्पेशलिस्ट रहे हैं, तो उन्होंने राष्ट्रपति भवन में कितने तरह के स्पीशीज़ हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स के उस पर किताब बनवाई थी, और उनके पिक्चर्स वो उनके साथ जाके और कैमरामैन को ले जाके उनके पिक्चर्स लिया करते थे अपने सामने कराया करते, तो ही वॉज क्वाइट कीन ऑन ऑल दिस थिंग्स, नेचर लवर थे, और वो किताब बड़ी अच्छी बनी है, मतलब आप उसे देखें एक बार, और उसमें जितने बर्ड्स हैं जितनी स्पीशीज़ हैं राष्ट्रपति भवन में डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स की, उसको बाकायदे स्टडी किया उनके उस एक्सपर्ट ने। कलाम साहब का जिक्र हो बच्चों का जिक्र ना हो ये तो मतलब थोड़ा सा असंभव सा है, बल्कि उनकी एक किताब भी है जो चुनिंदा की जो चिट्ठी लिखी थी बच्चों ने उसका कलेक्शन भी है जी, पर मैं देख रहा था उसमें मुसलमान के बच्चे वो जो है उनकी चिट्ठी नहीं थी। अच्छा, एक तो ये, दूसरी बात ये कि जिस तरह की शख्सियत थी उस तरह से मुस्लिम कौम ने उनको हाथों हाथ नहीं लिया, और जब ज़रूरत थी एक अच्छे लीडरशिप की, कलाम साहब से बेहतर कोई लीडर नहीं होता, पर जिस तरह से होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, आपको क्या लगता है कहाँ ये चूक हो गई, कहाँ रह गया मामला? देखिए उसकी दो तीन वजह ये रही कि जब वो राष्ट्रपति नहीं थे तो जब वो साइंटिस्ट थे तो उनका उन वो काम तो बहुत कर रहे थे, साइंस में बहुत काम कर रहे थे, फिर उसी वक्त उन्होंने इंडिया विज़न 2020 दिया
वो तो पहले दिया ना राष्ट्रपति बनने से पहले, बहुत पहले थे। बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट बनाया, विजन डॉक्यूमेंट 2020, जो बाद में उन्होंने मंत्रिमंडल में पेश किया जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जब वो राष्ट्रपति बने 2002 में। और उससे पहले भी वो तैयार था, उसमें करीब 500 साइंटिस्ट्स ने काम किया था। वो एक्चुअली राष्ट्रपति भवन बनने से पहले उनका आम जनता के साथ, वो चाहे मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो या कोई भी हो, उनका कोई कनेक्ट नहीं था आम पब्लिक के साथ। उनका कनेक्ट था साइंटिस्ट्स के साथ, इंटेलेक्चुअल्स के साथ। तो कॉमन आदमी जो था वो उनको उतना उस तरह से पहचानता नहीं था। कलाम साहब को जानते सब थे, मगर कलाम साहब क्या कर रहे हैं और कलाम साहब क्या कर सकते हैं, आम आदमी को उनका वही रूप पता था, मिसाइल मैन का, स्पेस साइंटिस्ट का और न्यूक्लियर साइंटिस्ट का। मगर आम आदमी ये समझता था कि इनका हमारे से कोई संपर्क या कनेक्ट नहीं है। तो ये हमको जो डायरेक्ट कॉमन मैन को इंस्पायर करने वाली बात होती है, इन सब चीज़ों से इंस्पायर होते हैं, साइंस से भी, टेक्नोलॉजी से भी, मगर वो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कॉमन आदमी इंस्पायर होता है, तो वो उनसे कनेक्ट नहीं था। वो कनेक्ट हुआ राष्ट्रपति बनने के बाद। और राष्ट्रपति में क्योंकि उनका बिहेवियर पीपल्स प्रेसिडेंट का रहा, तो लोगों से कनेक्ट बन गया। तो जहाँ तक मुस्लिम्स का आपका कहना है, वो एक्चुअली वो खुद से भी, ही हिमसेल्फ स्वयं से भी इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे। मतलब ही वॉज ए बिलीवर ऑफ इंडिया इन इंडियननेस इन इंडियंस, उसमें वो ये डिस्टिंग्विश करते नहीं थे कि मैं मुस्लिम का लीडर बन जाऊँ या तमिल का लीडर बन जाऊँ या हिंदूज का लीडर बन जाऊँ या तमिलनाडु का लीडर बन जाऊँ। उससे जो उनकी मुस्लिम्स में रीच थी, आउटरीच थी या पॉपुलैरिटी थी, उससे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी उनकी तमिल हिंदूज में थी और मुस्लिम्स में, तमिल हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम्स इन कंपैरिजन टू हिज रीच अमंग मुस्लिम्स ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तमिलनाडु में तो लोग उन्हें क्या मानते थे पहले भी और बाद में भी, सारे लोग हिंदू मुस्लिम एवरीबडी क्रिश्चियंस, तमिलनाडु में तो क्रिश्चियंस भी अच्छी तादाद में है, सिख एवरीबडी जो भी तमिलनाडु में थे, तो वो उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बड़ी थी। अच्छा, और तमिल लैंग्वेज जानते थे, उर्दू तो नहीं जानते थे, वो तमिल जानते थे। तो अगर वो पॉपुलर कनेक्ट और लीडर बनना चाहते तो वो तमिल के ज़्यादा आसानी से बन सकते थे, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। और उन्हें बहुत से लोगों ने राष्ट्रपति बन का जब उनका टर्म ख़त्म हो गया, तो वो उनका एक आदत थी, उसमें वो मुझे भी बुलाया करते थे, उनके जो 10-15 लोग बहुत ख़ास थे, उनके फ्रेंड्स थे और थे, तो उनसे वो कभी कभी मीटिंग किया करते थे। और जब उनके टर्म ख़त्म हुआ उसके बाद उन्होंने कई मीटिंग्स की कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो एक दो लोगों ने ये भी उन्हें राय दी कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, पॉलिटिक्स तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मेरे बस की बात नहीं है। तो फिर हम सब लोगों ने उनको यही कहा कि साहब आप तो अपना वही मिशन जो इंडिया डेवलप नेशन का है वो अपने जारी रखिए थ्रू यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस। और वो उन्होंने उसी एक्टिवनेस के साथ कंटिन्यू किया। मिशन 2020 का जिक्र किया आपने, उसमें जोड़ने पे उनका बड़ा जोर था, नदी को नदी से जोड़ दो, मेडिकल कॉलेज को मेडिकल कॉलेज से जोड़ दो, टेली कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी जोड़ दो। और शुरुआत उन्होंने पीएम और प्रेसिडेंट हाउस से वर्चुअली जो जोड़ा था, अब तो 5G का जमाना हो गया है। उनका वो जो विज़न है, अब तो हम लोग 22 में पहुंच गए, किस हद तक हम लोगों ने उस पर अमल किया है, क्या रह गया? नहीं, उनका विज़न ऐसे जो पूरा तो अमल नहीं हो पाया, मगर उस डायरेक्शन में UPA और NDA दोनों ही सरकारों ने काम किया है काफ़ी। और उन्होंने उस समय पे ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस की थी जब इसकी इतनी चर्चा नहीं थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे, पूरे मुल्क के लोगों की मीटिंग करते थे, वाइस चांसलर्स की मीटिंग करते थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। ये पॉपुलर अब कोविड टाइम में हुए ये सब चीज़ें, तो वो उसी समय से काम कर रहे थे, ई कनेक्टिविटी, टेली कम्युनिकेशन, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टेली मेडिसिन, तो उसमें उन्होंने किया। मगर जितनी तेज़ी से होना चाहिए था उतनी तेज़ी से नहीं हुआ है, मगर हुआ है उस डायरेक्शन में और काम भी हो रहा है। हम
हम लोग जब कलाम साहब की बात करते हैं तो हमेशा कोई ना कोई ये ज़रूर कहता है साथी कि वो वीणा बजाते थे, कितनी बात ये सच है, कौन सी वीणा बजाते थे? वीणा उनके पास थी, रुद्र वीणा, मगर वो कोई रेगुलरली तो नहीं बजाते थे, मगर कभी कभी जब कोई बहुत कोई फ्री टाइम होता था, लेजर समय की कमी तो रहती होगी, वीणा बजाते थे। वो उनकी फैमिली विंग में था, अब उनके उसमें रखा हुआ है वहाँ पर मेमोरियल म्यूजियम में रामेश्वरम में, तो वो उसे यूज़ करते थे। हम लोग जो सवाल पूछ रहे हैं हाशमी जी और मैं, हम लोग जो हम उनके बारे में छपा हुआ है या हमने कहीं पढ़ा है या कहीं सुना है वो वेरीफाई करा रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन ज़रूर नहीं होगी जो सवाल ही हम नहीं पूछ पा रहे हैं। क्या ऐसा कोई अनछुआ पहलू होगा सर, कोई ऐसा ऐसी बात जो लगता है कि नहीं ये तो पब्लिक को पता होनी चाहिए कि हमारे कलाम साहब ऐसे थे? नहीं, उनका स्वभाव बहुत ही वेरी हम्बल पर्सन, लोगों की मदद बहुत किया करते थे बिना बताए हुए इन टर्म्स ऑफ मनी, और अपनी तनख्वाह भी ज़्यादातर वो कई ऑर्फनेजेस को दे देते थे, लाइब्रेरीज़ को देते थे। अगर उन्हें कहीं से कोई अवार्ड मिलता था तो हमेशा डायरेक्टली वहीं से वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। वो लेते ही इसलिए थे कि मैं जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकूँ। तो ज़िंदगी में उनके पास कुछ था नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई सामान नहीं था, तो बस यही सब चीज़ें। ही वॉज ए सिंपल पर्सन। चार ऐसे मौके मुझे मिले जब उनके कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ, जब मारुति में कोई गाड़ी लॉन्च हो रही थी या प्लांट मुझे याद नहीं है, तब वो वहाँ थे। उसके बाद धारूहेड़ा में एक कार्यक्रम में थे, कोई ब्रेन इंस्टीट्यूट जब उसका उद्घाटन हो रहा तब, और ब्लैक कैट को जब कलर दिया जा रहा था तब भी मैं था इन चार प्रोग्रामों में। लेकिन हर बार में वो मैंने ये देखा कि वो जो होता था डी एरिया, जब तक वो नहीं आते थे स्टेज तक तब तक तो वो डी एरिया होता था, लेकिन जैसे ही स्टेज पे आते थे कहते कि मेरा भाषण तो तू वेबसाइट पे पढ़ लोगे। अब जो है वो फिर इंटरेक्ट करते थे सीधा सीधा, सवाल पूछो, फिर 24 घंटे पढ़ते रहते थे। हाँ, वो पढ़ते रहते थे, लेक्चर वो कभी बिना तैयारी के नहीं देते थे। हर लेक्चर के पीछे वो 2-3 घंटे अपने लोगों के साथ बैठ के तैयारी किया करते थे, तो वो इस वजह से ही वाज ऑलवेज वेल प्रिपेयर्ड ऑन दी टॉपिक, और उसका इनपुट बहुत लेते थे पहले से। उसके किसी एक्सपर्ट को बुला लेंगे, उसके किसी बुक को देखेंगे, या उसका कोई मान लीजिए कोई फैक्ट्री है तो उसमें जिन लोगों ने काम किया है उससे बुला के पूछेंगे। तो उनका ये था कि उनका जो लेक्चर है इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाता था, तो ही यूज़ टू प्रिपेयर अ लॉट फॉर दैट। तो चूँकि आप उनका मीडिया का काम भी देखते थे तो मतलब हमारे लिए भी उनको इनपुट देना कभी कभी बहुत मुश्किल हुआ करता था क्योंकि वो हमसे भी लेते थे इनपुट। तो ये आप लोगों में चर्चा है कि कलाम साहब अगर किसी प्रोग्राम में कहीं जाना होता था तो उस दिन का अखबार मंगाते थे, जब लौट के आते थे फिर उस दिन उसके पिछले दिन का भी मंगवाते थे। ये सही बात है क्या? नहीं नहीं बिल्कुल। तो क्या जानना चाहते थे उसकी? नहीं, वो उसके बाद लोगों के कमेंट्स भी देखते थे। अच्छा। और ख़ासतौर से जब विजिट पर जाते थे ना स्टेट में, जब ज़्यादा देखते थे, कहीं बाहर जब जाते थे कि लोगों की क्या राय है। किसी ने एक बार लिख दिया था कि साहब वो प्रेसिडेंट के काफिला जा रहा था, मुझे ये मैं अस्पताल नहीं पहुंच पाया, तो फिर आगे उन्होंने बड़ी इंस्ट्रक्शंस दी कि भाई ये क्या हुआ कैसे हुआ, तो ये सब चीज़ें उनमें थी। जब भी मैं थोड़ा बहुत जो मैंने उनको पढ़ा है, उन अपनी छवि को लेकर के बहुत सचेत रहते थे कि कोई भी ऐसा काम ना करें। अरे बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। ऐसा कोई मामला जिसे बहुत परेशान कर गया हो उनको कि ये क्या हो गया मेरी वजह से? हाँ नहीं, बहुत से छोटी छोटी चीज़ों में भी वो बड़ा ध्यान रखते थे कि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि उसमें उनका कोई क्रिटिसिज्म हो। बहुत सारी रिपोर्टिंग कलाम साहब के राष्ट्रपति होते हुए हम लोगों ने की, और कई बार ऐसा हुआ कि स्कूल के बच्चों को वो शपथ दिलवा रहे हैं, 5 शपथ, और मीडिया वालों को भी कहा, मैं भी शामिल था, कि आप भी शपथ लीजिए। तो वो शपथ अलग से सिर्फ उनका मामला था या फिर आप लोगों ने मिलकर तैयार किया था कुछ करवा? नहीं, वो उन्होंने सबसे बैठा के तैयार कराते थे और सबसे सजेशन लेते थे कि भाई बताइए क्या क्या शपथ होनी चाहिए। तो उन्होंने कई तरह की शपथ तैयार कराई हुई थी, जिसमें मेजर आइडिया तो उन्हीं का था मगर हम लोगों का इनपुट भी रहता था। जो लोग उसमें जुड़े रहे कलाम साहब से जितने दिनों के लिए जुड़े रहे, वो अभी भी उनके लिए उनके नाम पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जैसे अगर आप ढूंढें तो कलाम साहब की वेबसाइट भी चल ही रही है अभी तक, तो कोई वजह है क्या? नहीं, वो अब जो लोग उनसे जुड़े हुए थे वो उनका
उनमें इतना उनका उनमें विश्वास रखते थे और उनसे इतने ज़्यादा कनेक्टेड थे और उनके आइडियाज़ में, उनके आइडियल्स में, कि वो नेचुरली वो उनकी मेमोरी को अलाइव रखे हुए हैं जितना भी कर सकते हैं और उनके जो चीज़ें हैं उनको प्रोपगेट कर रहे हैं। कलाम साहब ऐसे शख्सियत हैं जिनका नाम हमेशा अमर रहेगा, जिनके काम हमेशा हमें प्रेरणा देते रहेंगे। उनके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हाशमी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे जितने भी दर्शक हैं उनसे हमारी अपील यही रहेगी कि जो प्रेरणास्पद किस्से हम खान साहब के साथ मिल करके आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर कलाम सर मिसाइल मैन, हमारे देश के जनता के राष्ट्रपति अगर अभी होते तो आपको ज़रूर कसम दिलवाते कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द बना के रखें, पर्यावरण की रक्षा करें, नदियों की रक्षा करें और आपस में झगड़ा तो बिल्कुल भी नहीं करें। तो यही आवाज़ द वॉइस का संदेश भी है। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका और हाशमी साहब, थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।